हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस झंडू नित्यम टैबलेट के बारे में। तो अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं या फिर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि गैस, अपच, कब्ज, एसिडिटी वगैरह कुछ है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कौन कौन से आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये झंडू की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं, जो आयुर्वेदिक तत्व मिलाए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। इसके अंदर त्रिफला, हरिताकी, अरंड का तेल, संचल, यश, त्रिमधु, सोनामुखी, सीवा और सौंफ का मिश्रण किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है हमारे पेट की समस्याओं के लिए। अगर आपके पेट में ममोड़ होती है या फिर मीठा मीठा दर्द होता है या फिर गैस की वजह से अपच की समस्या होती है या फिर भूख न लगने की समस्या होती है, तो इन सब बीमारियों में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है। और इसके इस्तेमाल से दोस्तों एक और फायदा है कि ये एक तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और आपको इसकी आदत भी नहीं लगती है। और दूसरी बात दोस्तों कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो पेट ममोड़ की समस्या होती है वो आपको बिल्कुल से बंद हो जाएगी। दोस्तों, इसकी एमआरपी 28 रुपीज़ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार की टैबलेट होती है। तो देखिए, इसमें दो पार्ट में इस प्रकार की टैबलेट होती है और 6 टैबलेट की एमआरपी 14 रुपीज़ है और 6 और 6 12 टैबलेट को मिलाकर 28 रुपीज़ होती है। दोस्तों, इस प्रकार से इसके अंदर टैबलेट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। अगर आपके पेट में इस प्रकार की समस्या है, गैस की समस्या, पच की समस्या है, भूख न लगने की समस्या है या फिर रात में सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो आपको क्लियर लैट्रिन नहीं होता है, तो उस स्थिति में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है। इसके अंदर कैस्टर ऑयल का भी मिश्रण किया गया है जो कि इन सब समस्याओं में बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में कि इसको लेना कैसे है। तो आप इसको रात में सोते समय 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी आप इसका इस्तेमाल न करें या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें फिर आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको एलर्जी है और किसी प्रकार की एलर्जी की दवा का सेवन कर रहे हैं तो भी इस टैबलेट के इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, तब आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि क्या। तो इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट तो नहीं देखे गए हैं। बहुत कम लोगों को किन्हीं को छाती में जलन जैसी समस्या होती है। अगर इस प्रकार की आपको भी समस्या होती है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो आप इस टैबलेट का सेवन तुरंत बंद कर दें, इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही फिर इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर इसकी और कोई जानकारी छूट गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस चैनल के ऊपर, या फिर इस वीडियो के ऊपर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।